Hello everyone. Today we will start one of the most important topic from partnership, that is admission of a partner. Please put down the heading on fresh page of your register, admission of a partner. So in this chapter, our first topic will be calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. Let's understand the concept of this topic. Now A and B are partners who are sharing profit equally, 50%, 50%. Now they want to expand their business. ये अपने business को बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं. तो business को expand करने के लिए इन्हें additional capital चाहिए. But unfortunately, इनके पास capital fund नहीं है. So इन्होंने decide करा कि क्यों ना एक नए partner को admit कर लिया जाए. Because new partner अगर business में आएगा तो वो कुछ capital लेके आएगा. So in that way they can expand their business. But new partner will also ask for share in profit. Now let's say that C is asking for 20% share in profit. Now agar C ka 20% share ho jayega to A aur B ka profit sharing ratio kam ho jayega. So we have to calculate new profit sharing ratio between all the partners. So this is the concept. Now can you please tell me that after giving 20% to C, there is remaining 80%. Ab 80% share reh gaya jo ki distribute hoga A and B mein. Now is 80% ko ye kaise share karenge? They have decided कि हमारा ओल्ड रेशियो इक्वल था तो हम इस 80% को भी इक्वली शेयर करेंगे. इट मींस 40% 40%. सो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स के बीच में कैलकुलेट कर लिया है. सो दिस इज द हेडिंग ऑफ आवर टुडेज टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पहले हम फर्स्ट हाफ सीखेंगे. नाउ इसमें आपके तीन केसेस हैं. सो सबसे पहले आप केस वन की हेडिंग डालिए. केस वन, सैक्रिफाइस शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर is not given. This is our case one. इस example में हमने ये देखा कि question हमें ये नहीं बता रहा कि ये sacrifice कितना कर रहे हैं. This is the relevant example, demonstration question. Now अब हम book से question pick करते हैं. Let's pick a question. आप चार लाइनें छोड़ देंगे केस वन लिखने के बाद. आप चार लाइनें छोड़ देंगे. ऑल ऑफ यू प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट. फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर वन, जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है. कॉपी आपका है, टाइम आपका है, आप आराम से लिख सकते हैं, पहले समझ लीजिए. क्वेश्चन वन कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स और इनका रेशियो है 5:3:2. सो दिस इज देयर ओल्ड शेयर.
Now they admit A as a new partner. New partner है हमारा A. Now A is saying कि मुझे profit में 1/5 share दे दो. Now A को 1/5 share देने के बाद इनका new share कितना होगा? This is the requirement of the question. Now profit sharing ratio calculate करना हमने last session last chapter में भी सीखा था in change in profit sharing ratio. लेकिन वहाँ पे profit sharing ratio new profit sharing ratio निकालने का तरीका different है और यहाँ पे new profit sharing ratio calculate करने का method different है. So please listen carefully. यहाँ पे जब परसेंटेज में हम बात कर रहे थे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा था, लेकिन वहीं जब रेशियो में बात होती है तो आपका माइंड जाम हो जाता है. लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रेशियो में आएगा, परसेंटेज में नहीं आएगा. परसेंटेज में तो हमने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्ज़ाम्पल ले लिया. वेल, रेशियो में भी कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है. लेट्स अंडरस्टैंड. So this is picture of the question. हम ये मान लेते हैं कि इन चारों का profit, इन चारों का profit 1 है. Let total profit of A, B, C and D, B 1. अब 1 में से 1/5 तो A के पास चले गया, कन्फर्म है. अगर 1/5 A के पास चले गया तो अब X, Y, Z का प्रॉफिट कितना है? The profit of X, Y and Z will be 1 में से 1/5 आपने A को दे दिया. तो एक्स वाई जेड इन तीनों का न्यू प्रॉफिट होगा 4/5. दिस इज प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड. सो दिस इज फर्स्ट. सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 1 minus 1/5. इट इज कमिंग 4/5. नाउ अब तीनों का प्रॉफिट 4/5 है, लेकिन इस 4/5 में एक्स का कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है? इन्होंने ये डिसाइड करा कि इस 4/5 को हम अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था. वहाँ पे 80% इन्होंने इक्वली बांटा था. यहाँ पे 4/5 ये अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ट्राई टू कोरिलेट. नाउ इस 4/5 में एक्स का शेयर हो जाएगा न्यू शेयर ऑफ एक्स. आउट ऑफ 4/5 5/10 एक्स का ओल्ड शेयर है 5/10. सो एक्स का न्यू शेयर आ जाएगा 20/50. नाउ वाई का 4/5 में से वाई को कितना मिलेगा? 3/10. इट इज कमिंग 12/50. जेड को कितना मिलेगा? आउट ऑफ 4/5 जेड विल गेट 2/10. इट इज़ कमिंग 8/50. सो हमें पता लग गया कि इस 4/5 में एक्स का कितना शेयर है, वाई का कितना है एंड जेड का कितना है. एंड ए का शेयर तो क्वेश्चन में गिवन ही है 1/5.
new share of A is 1/5. Now आपको क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से करना है, इन दैट वे यू कैन इजीली गेट द आंसर. ए का 1/5 शेयर है, अगर आप एक्स वाई जेड में कॉमन देखें तो इनका डिनोमिनेटर कॉमन है 50 50 50. आप ए के शेयर को भी, ए के शेयर का डिनोमिनेटर भी 50 बना दीजिए. हाउ? मल्टीप्लाइंग बाय 10. सो नाउ वी आर गेटिंग 5/50. न्यू शेयर पता लग गए और आपने डिनोमिनेटर सबके सेम कर दिए. नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए, यू कैन से इट इज 20:12:8:5. सिंपल. सो दिस इज द सॉल्यूशन. सो आपको क्वेश्चन को करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से होगा. सॉरी, देयर इज सम सिल्ली मिस्टेक. इट इज कमिंग 10. नाउ आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. इफ यू सी, सारे के सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं. दिस इज 10, दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज 5. सो 10:6:4:5, दिस इज सिंप्लीफाई फॉर्म. दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं. क्रिस्टल क्लियर? सो इन क्वेश्चंस में आपको ये गिवन नहीं होता कि जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं. जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता. तो जब भी हमने केस वन की हेडिंग दी है, सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन. क्लियर? सो आफ्टर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, अब हम केस 2 में आते हैं. केस 2 में सेक्रीफाइस गिवन होगा. ये गिवन होगा कि ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं. सो कम टू केस 2, सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन. सो एवरीवन हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चन? If not, you can pause the session, note down the entire answer with understanding, then play. This is one of the important topic of admission chapter. और अगर आपके यहाँ पे बेस क्लियर है, if your base is clear, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी. केस 2, एवरीवन प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3. दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म विच ही टेक 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो आई होप कि सभी को क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 2, रवि एंड मुकेश और ओल्ड शेयर है इनका 7:3. और न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है अशोक, और अशोक का न्यू शेयर है 3/7. अब क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है
कि अशोक का 3/7 ये रवि और मुकेश से ले रहा है किस तरीके से, 2/7 रवि से एंड 1/7 मुकेश से. सो दिस इज सेक्रीफाइस शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर. ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस शेयर गिवन है. दिस इज सेक्रीफाइस शेयर. नाउ अब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया काम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट न्यू शेयर होता है हमारा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर. ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर. तो रवि का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ओल्ड शेयर है 7/10 और इसमें से 2/7 सेक्रीफाइस कर दिए. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी आर गेटिंग 19/70. This is new share of Ravi. Then Mukesh. Old share Mukesh का है 3/10. And sacrifice share question में given है 1/7. After calculating. It is coming 11/70 and Ashok का share तो question में directly given है, that is 3/7. Now you all know कि हमें denominators तीनों partner के same रखने हैं. So same रखने के लिए आप 10 से multiply कर देंगे. We are getting 30/70. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रवि मुकेश एंड अशोक. इज 19:11:30. नाउ ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो आप एज इट इज अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सिमिलर है क्वेश्चन नंबर सेकंड के. दिस इज होमवर्क फॉर यू, यू विल ट्राई दिस एट योर होम. नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 हम ट्राई करेंगे. X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Z is admitted as a partner with 1/4 share in profit. Z acquire his share from X and Y in the ratio 2:1. यहाँ पे भी क्वेश्चन सिंपल है. लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो यहाँ पे x एंड y पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो है 3:2. x एंड y आर पार्टनर्स 3:2. दिस इज देयर ओल्ड शेयर. z इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि z ने अपना शेयर
इन दोनों पार्टनर से लिया है इन द रेशियो 2:1, यानी कि इस 1/4 में 2/3 एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है एंड 1/3 वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी 2:1 के रेशियो में 1/4 शेयर जेड ले रहा है। सो कैलकुलेट करते हैं कि एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/12 और वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12। सो सेक्रीफाइस शेयर आपको पता लग गया एक्स का और वाई का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं। सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, यू विल ट्राई दिस। नाउ वी विल डू केस 3, हमारे दो केस ओवर हो चुके हैं। केस 3, केस 3, ओल्ड पार्टनर सरेंडर सम पार्ट ऑफ देयर शेयर। नाउ ये कंसेप्ट भी आपका सिंपल है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डेमो क्वेश्चन। ए बी दीज आर टू पार्टनर और ये अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 50-50। नाउ दे एडमिटेड सी। नाउ समटाइम आपने अपने फादर से या अपने गार्जियन से सुना होगा कि वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट चैरिटी में सरेंडर कर देते हैं, लाइक 50% ऑफ देयर सैलरी दे सरेंडर। सो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है एग्जैक्टली। यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना शेयर का कुछ पार्ट सरेंडर कर देते हैं। नाउ सपोज ए कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 60% शेयर कर सरेंडर कर देता हूँ। सो ए के शेयर का 60% कितना होगा? इट विल बी 30%। और बी कह रहा है मैं अपने शेयर का 50% सरेंडर कर दूंगा। बी का शेयर है 50% और इसका 50% यानी हाफ, हाफ बी सरेंडर कर देगा यानी कि 25%। सो दिस इज सेक्रीफाइस ऑफ ए, दिस इज सेक्रीफाइस ऑफ बी। तो सी का न्यू शेयर हो जाएगा 30% प्लस 25%, इट विल बी 55%। अब ए का जो न्यू शेयर आएगा, ए ने दिस इज सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी और न्यू शेयर हो जाएगा 50 में से 30 इसने दे दिया है तो दिस विल बी 20% न्यू शेयर ऑफ ए। एंड बी ने 50% में से 25% दे दिया है, हाफ दे दिया है, सो इट विल बी 25% फॉर बी। सो दिस इज न्यू शेयर। सो आपको क्वेश्चन पढ़ के अंडरस्टैंड इंटरप्रेट करना है कि क्वेश्चन क्या है, कह रहा है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस केस नंबर 3 इन ब्रीफ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। सो ऑल ऑफ यू प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 10। एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट पी एंड क्यू एज अ न्यू पार्टनर। नाउ एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। प्लीज अंडरलाइन एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 उसने डोनेट कर दिया इन फेवर ऑफ पी। एंड वाई सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ क्यू। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई पी एंड क्यू। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन।
सो यहाँ पे एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर्स हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. एक्स एंड वाई आर ओल्ड पार्टनर्स. And their share is 3:2. 3:2. अब क्वेश्चन कह रहा है कि x ने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर दिया है. इट मीन्स x का शेयर है 3/5 और इसका 1/3 x ने सरेंडर कर दिया है. इट मीन्स 3/15. सिमिलरली और x ने सरेंडर कर दिया है इन फेवर ऑफ p. फिर क्वेश्चन कह रहा है y ने अपने शेयर का यानी 2/5 का 1/4, इट मीन्स 2/20, सरेंडर कर दिया है इन फेवर ऑफ q. सो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. सो इस क्वेश्चन में दो नए पार्टनर हैं p एंड q. सिंपल सेक्रीफाइस शेयर आपको x का और y का पता है और न्यू शेयर तो p का आपको पता लग ही गया. x ने अपना 3/15 p को दे दिया तो न्यू शेयर p का हो गया 3/15 और y ने 2/20 q को दे दिया तो 2/20 q का न्यू शेयर हो गया. नाउ x का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? सिंपल सबको पता ही है फॉर्मूला. ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर. सभी को पता ही है फॉर्मूला. नाइस. सो न्यू शेयर ऑफ एक्स इट विल बी 3/5 माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज 3/15. इट इज कमिंग 9 - 3 = 6/15. वाई का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर है वाई का 2/5 माइनस सेक्रीफाइस 2/20. इट इज कमिंग 8 - 2, इट मीन्स 6/20. सो न्यू शेयर हमें पता लग गया है एक्स का और वाई का. इट विल बी 6/15 फॉर एक्स एंड 6/20 फॉर वाई. सो अब आप क्या करेंगे? एक्स वाई पी एंड क्यू. पी का शेयर आपने लिखा हुआ है न्यू शेयर 3/15 और क्यू का शेयर है 2/20. नाउ आपको सबके डिनोमिनेटर सेम करने हैं. सो आप सबके डिनोमिनेटर को 60 बना सकते हैं. सो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 24/60. यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 18/60. यहाँ पे 4 से 12/60 और यहाँ पे 3 से 6/60. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया पार्टनर्स का. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई पी एंड क्यू इट इज 24:18:12:6. नाउ कैन यू सिंप्लीफाई दिस? ऑफकोर्स यू कैन. ये 3 से डिविजिबल हो रहे हैं सारे तो इट विल बी 8:6:4:2. सो 8:6:4:2 दिस विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नाउ ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहे हैं 4:3:2:1. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सिंपल वन. क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवर.
Now question number 8. Question number 8 is your homework और ये related है question number 10 के. This is Kabir and Farid. This is your homework. Now everyone come to question number 15. 15 is saying X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Question number 15. Now student, let me clarify one thing. ये जो diagram मैं आपको बना के दे रहा हूँ, this is a kind of diagram. This one is a kind of diagram for you. This is just for understanding. ये केवल समझने के लिए. आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपरली, यहाँ से. And this one is your answer. As you all know, first of all, I explain the question perfectly, then we answer. So एक बार आप question अच्छी तरीके से समझ ले, then you can easily answer. So actual में आपका answer का part ये है, this is just for understanding. ये आपको कोई school में explain नहीं करेगा. Now, our next question is question number 15. X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Z into partnership. X give 1/3 of his share while Y give 1/10 of his share to Z. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. This is also a simple question. And this is also a homework for you. Now we will attempt some advanced level question, comprehensive question. अब इन questions में आपके case 1, 2, 3 तीनों में से कोई भी cases हो सकते हैं. So now we are doing comprehensive question. आपको घबराने की जरूरत नहीं है. No need to fear. Question number, these are comprehensive question. आप अपने index में भी heading लिख लेंगे, comprehensive question. Everyone please come to question number 14. Question is saying, question number 14. A, B, C and D are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 36:24:20:20 respectively. E joins the partnership for 20% share and A, B, C and D in future would share profit among themselves as 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. Calculate new profit sharing ratio after E's admission. Question is actually very simple. Let's understand question number 14. So partners are A, B, C and D. It is 36 their old share. 36, 24, 20, 20. They admitted E as a new partner, E. Or E is claiming, E is claiming ki uska share 20% hona chahiye. It means it should be 1/5. 20% means 1/5. सबको पता है.
Now, after giving 1/5 share to E, the remaining profit of A, B, C and D will be 1 minus 1 by 5. It means 4 by 5. क्वेश्चन कह रहा है ये जो 4 बाई 5 ए बी सी एंड डी का रिमेनिंग प्रॉफिट है दिस विल बी शेयर्ड इन रेशियो ऑफ 3:4:2:1. अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एंड डी इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट देनसेल्व एज 3:4:2:1. यानी फ्यूचर प्रॉफिट तो ये है 4 बाई 5 चारों पार्टनर्स का और इसे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:4:2:1 के रेशियो में. सो आपको सिंपली न्यू शेयर पता लगाने ऑफ ए बी सी एंड डी. सो 4/5 3/10 3/10 ए शेयर ले लेगा आउट ऑफ 4/5 और बी लेगा आउट ऑफ 4/5 ही इज टेकिंग 4/10 एंड सी 2/10 एंड डी 1/10. सो कैलकुलेट कर लेंगे न्यू शेयर पता लग जाएगा और ई का शेयर है 1/5 गिवन है क्वेश्चन में. आप कैलकुलेट करेंगे इट इज़ कमिंग 12/50 ए एंड बी का 16/50 सी का है 8/50 डी का है 4/50 एंड ई का है डिनोमिनेटर 5 है आप इसे 50 बना दीजिए. सो इट इज़ 10/50. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता लग जाएगा आपको ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 12:6:8:4:10. सिंप्लीफाई आप इसे कर सकते हैं 2 से डिविजिबल है 6:8:4:2:5. दिस इज योर फाइनल आंसर. सिंपल. नाम का ही कॉम्प्रिहेंसिव है. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी कि ये क्वेश्चन नंबर 14 कौन से केस से है. दिस इज फ्रॉम केस नंबर 2 क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है कि पार्टनर किस रेशियो में अपना फ्यूचर शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. After this, all of you come to question number 16. 16 is saying A, B and C are partners sharing profit in the ratio 2:2:1. D is admitted as a new partner for 1/6 share. C will retain his original share. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. This is a good question. इस क्वेश्चन में एक्चुअली में आपको करने में दिक्कत हो सकती है. डैट्स वाई ये क्वेश्चन मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा अभी. इट्स क्वेश्चन नंबर 16. सो पार्टनर्स आर ए बी सी. A, B and C. And their old ratio is 2:2:1. Now, D is admitted as for 1/6 share. This is new share.
नाउ क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सी ने कहा कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, मेरा जो पुराना शेयर है मेरा नया शेयर भी वही होना चाहिए। सी का ओल्ड शेयर है 1/5, ओल्ड शेयर इज 1/5। सी ने कहा मेरा न्यू शेयर भी 1/5 ही रहना चाहिए, आई विल नॉट सेक्रीफाइस एनी शेयर। कुछ पार्टनर होते हैं ईगो इशू। नाउ हमें पता है कि टोटल प्रॉफिट हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस शेयर के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। सो लेट्स अज्यूम लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। अब इस 1 में से 1/6 तो चले गया डी के पास, और सी कह रहा है कि मैं अपना शेयर दूंगा नहीं, तो 1 में से 1/6 तो चले गया डी का, सी का भी शेयर हटा दो आप 1-5, तो अब जो शेयर बचेगा ये होगा शेयर ऑफ ए एंड बी, शेयर ऑफ ए एंड बी। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी आर गेटिंग 19/30 शेयर ऑफ ए एंड बी। नाउ इसमें सी ने अपना शेयर रिटेन कर रखा है, इसका मतलब वो अपने शेयर में से कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, इसलिए हमने यहाँ से सी के शेयर को हटा दिया है 1 में से। नाउ दिस 19/30 इज ऑफ ए एंड बी। अब हमें ये देखना है कि इस 19/30 में ए को कितना मिलेगा एंड बी को कितना मिलेगा। सो हमें पता है कि ये अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन दोनों का ओल्ड रेशियो है 2:2। 19/30 आप ये भी तो कह सकते हैं इक्वल है इन दोनों का शेयर। सो 19/30 को ये इक्वली डिवाइड कर लेंगे 1/2, इट इज़ कमिंग 19/60 फॉर ए, 19/60 फॉर बी। एंड फॉर सी, सी का तो जो ओल्ड शेयर था अब भी वही रहेगा क्योंकि सी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, यानी 1/5, और डी का शेयर है 1/6। अब आप सबके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, आप 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, इट इज़ कमिंग 12/60, एंड हियर 10 से 10/60, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी इज 19:19:12:10। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, आफ्टरवर्ड डी एंटर्स फॉर 20 पैसा इन द रुपी। कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी आफ्टर डी एडमिशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है ए बी दो पार्टनर्स हैं एंड दे एडमिटेड सी, इन्होंने पहले सी को एडमिट किया है। सो पहले हम यहीं तक बात करते हैं, व्हेन दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। तो इनका ओल्ड शेयर है 3:2, दिस इज देयर ओल्ड शेयर,
और सी सी का शेयर है इट इज 1/4. तो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी. सबसे पहले आप इन तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करेंगे. सो यू विल राइट लेट. सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सी एडमिशन. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सी एडमिशन. लेट टोटल प्रॉफिट बी 1. टोटल प्रॉफिट बी 1. अब 1 में से 1/4 सी के पास चले गया तो ए और बी का प्रॉफिट बचेगा 3/4. सो दिस इज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी. नाउ इस 3/4 में ए का कितना है एंड बी का कितना है. केस 1 में से है आपका ए बी. नाउ आउट ऑफ 3/4 ए विल टेक 3/5 और बी लेगा 2/5. इट इज कमिंग 9/20, 6/20. नाउ सी का शेयर दे रखा है क्वेश्चन में 1/4. डिनोमिनेटर सेम कर देंगे आप. इट इज कमिंग 5/20. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:6:5. दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5. अब सी को एडमिट करने के बाद इन्होंने डिसाइड करा कि डी को एडमिट करते हैं एज अ न्यू पार्टनर. नाउ डी का जो शेयर है डेट इज गिवन 20 पैसा इन अ रुपी, यानी कि 20% है और 20% इंडिकेट कर रहा है 1/5. डी का न्यू शेयर है 1/5 और इन तीनों का ये ओल्ड शेयर है. क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे बिटवीन ए बी सी एंड डी. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन कह रहे हैं राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3. जहीर ज्वाइन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमन राकेश सुरेश एंड जहीर इज 7:4:3. फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. ओल्ड शेयर दे रखा है. ओल्ड शेयर इज गिवन. न्यू शेयर इज गिवन. द पार्टनर्स आर राकेश सुरेश एंड जहीर. राकेश सुरेश एंड जहीर. ओल्ड शेयर इज 4:3 और न्यू शेयर इज 7:4:3. हमने लास्ट चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस कर रखा है कि अगर ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दे रखा हो वी कैन इजीली कैलकुलेट सेक्रीफाइस शेयर. डिड यू रिमेंबर सेक्रीफाइस
share is equal to old share minus new share. Everyone remember this formula? We did a lot of question on basis of this formula. So Rakesh ka sacrifice hoga 4 by 7 minus 7 upon new share hai Rakesh ka 14. Calculate karenge, you are getting 1 by 14. And Suresh ka sacrifice hai, old share hai 3 by 7 and new share is 4 by 14. It is coming 2 by 14. So sacrifice ratio Rakesh aur Suresh ka hai 1:2. Okay. Sacrifice ratio of Rakesh and Suresh is 1:2. So question number 11 is also completed. Aap iski heading dal denge. When new profit sharing ratio is given in the question. Index mein aap sabhi heading denge. New profit sharing ratio is given in question. Simple. Now, in this session, how to calculate new profit sharing ratio, humne teen case discuss kiye hain. Humne sare cases mein new profit sharing ratio calculate karna seekh liya hai. Now the second concept is how to calculate sacrifice ratio. Aapne abhi tak jitne bhi question kiye hain usme old share given tha. New profit sharing ratio kaise pata lagana hai, ye humne calculate kar liya sare cases mein. Aap formula laga dijiye, aapko sacrifice share pata lag jayega. So how to calculate sacrifice ratio? You can easily calculate this. Now I will give you some important tricks. So everyone please come back to question number 1. सेक्रीफाइस रेशियो के रिगार्डिंग मैं आपको एक ट्रिप देना चाहता हूँ. बिकॉज अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रिक. हर सेशन में वी विल डिस्कस ट्रिक्स. डिड यू रिमेंबर केस 1 एवरीवन? केस 1 में हमने सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन डिस्कस किया था, डेट इज़ ए बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 50-50. दिस इज देयर ओल्ड शेयर एंड दे हैड एडमिटेड सी फॉर 20% शेयर. रिमेंबर? Now after giving 20% to C, A or B ka share ho jayega 80%. Ab yahan pe humne dekha tha jo 80% hai wo ye equally divide kar rahe hain, yani ki 40-40. Now can you please tell ki yahan pe A or B sacrifice kitna kar rahe hain? Their sacrifice is 10%. क्या ये 20% जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं दोनों इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं? यस. 10% ए कर रहा है, 10% बी कर रहा है, बट आई विल से अंडर केस 1 व्हेन सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन, सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड पार्टनर, ये आपको जो मैं ट्रिक लिख के दे रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल आंसर दिस कि ये है क्या. सेक्रीफाइस रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इन
their old ratio. This is one of the important trick. Puri partnership firm mein use hogi. So the trick is saying, यहाँ पे sacrifice ratio नहीं given था case one में, तो यहाँ पे जो partner sacrifice कर रहे हैं, इनका जो sacrifice ratio है, ये इनके old profit sharing ratio के हिसाब से होगा. Old ratio इनका equal है, sacrifice भी ये equal कर रहे हैं. Crystal clear? Now let's come to question number one to verify. इस ट्रिक को वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाएंगे सारे. क्वेश्चन नंबर वन, एक्स वाई जेड, इनका ओल्ड शेयर गिवन है 5:3:2. दिस इज देयर ओल्ड शेयर और इन्होंने एडमिट किया है जेड को, सॉरी ए को, फॉर 1/5 शेयर. Now I am asking, इनका sacrifice share given नहीं है, sacrifice ratio is not given. आप मुझे बता सकते हैं ये sacrifice किस ratio में कर रहे हैं? जो ये sacrifice कर रहे हैं 1/5 in favor of A, ये किस ratio में कर रहे हैं? Old partner sacrifice in their old ratio. इनका जो sacrifice ratio है is 5:3:2. ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं. ओके, ओल्ड शेयर क्वेश्चन में गिवन है, न्यू शेयर आपने पता लगाया था, डेट इज 10:6:4:5. सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला सभी को पता है, ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूला. सेक्रीफाइस शेयर फॉर एक्स वाई सेट, ओल्ड शेयर है 5/10, वाई का है 3/10, जेड का है 2/10 और न्यू शेयर है 10/25 एंड y का है 6/25 और z का है 4/25. आप इसे कैलकुलेट करेंगे, सो हाउ मच इट इज कमिंग, इट इज कमिंग 5:50 एक्स का आ रहा है और वाई के लिए 3/50 एंड जेड के लिए इट इज कमिंग 2/50. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग क्या सेक्रीफाइस शेयर 5:3:2 आ रहा है? 5:3:2 हमने पहले ही ट्रिक से पता लगा लिया. सो अंडर केस वन, जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, वो सेक्रीफाइस इनके ओल्ड रेशियो के हिसाब से होता है. क्रिस्टल क्लियर? दिस ट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने वेरीफाई भी कर ली है एंड आई एम श्योर द कंसेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो आफ्टर डिस्कसिंग द वेरी फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, all of you will maintain the index, the most important instruction. You will repeat all the questions, sare cases aapko yaad hone chahiye. Thereafter your next session will be fruitful for you. So we will meet in next session. Till then, thank you.